हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज होंगे, यानी कि उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज हो, और दोनों अलग अलग टेंस में अगर होते हैं, तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये 5 सेंटेंसेस लिए हुए हैं और जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज आया हुआ है, यानी कि ये 5 के 5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और आपको सीखना है कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा सेंटेंस है कि वह जानती थी कि उसका नौकर चोर है। अब यहां पे आपको बताना है कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इनडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। तो वह जानती थी, यहां पे अगर देखिए, वह जानती थी, इसका पूरा सेंस निकल रहा है कि वह जानती थी, लेकिन कि उसका नौकर चोर है, कि उसका नौकर चोर है, इसका पूरा का पूरा सेंस नहीं निकल रहा। ये डिपेंड कर रहा है इस वाले क्लॉज पर। जब तक इसको नहीं कहेंगे, केवल इतना कहने से कोई फायदा नहीं है कि उसका नौकर चोर है। तो इसमें हमारा इनडिपेंडेंट क्लॉज है वह जानती थी, और डिपेंडेंट क्लॉज है कि उसका नौकर चोर है। उसी तरीके से मुझे यह आशा नहीं थी, मुझे यह आशा नहीं थी, यहाँ पे कंप्लीट सेंस इसका है मुझे यह आशा नहीं थी, तो ये एक इनडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन कि आप मुसीबत में मेरा साथ छोड़ दोगे, कि आप मुसीबत में मेरा साथ छोड़ दोगे, ये लग रहा है कि इसके पहले और कुछ होना चाहिए था, यानी कि ये अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए इस वाले क्लॉज पर डिपेंड है। तो ये कि आप मुसीबत में मेरा साथ छोड़ दोगे, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने नरेशन पढ़ा होगा तो नरेशन में आपको बताया गया होगा कि यदि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में ही रखा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हम इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस बनाते हैं वो भी कुछ इसी टाइप का सेंटेंस होता है। इनडायरेक्ट का जो हम सेंटेंस बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, वो बिल्कुल इसी टाइप का सेंटेंस होता है। वो भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज होता है, केवल इंपेरेटिव को छोड़कर, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां पे इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो वो तो एक सिंपल सेंटेंस ही बनाता है। लेकिन बाकी जो अदर इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस हम बनाते हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और ये सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या कहता है कि यदि हमारा जो इनडिपेंडेंट वाला क्लॉज है जिसका कंप्लीट सेंस है, यदि हमारा इनडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए। और यही रूल हम फॉलो करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भी, कि जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। सेम वही चीज आपको यहां भी अप्लाई करना है, अगर हमारा इनडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में है तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो भी पास्ट में होना चाहिए, और अगर इनडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो डिपेंडेंट क्लॉज जिस टेंस में लिखा गया है उसको उसी टेंस में बनाना है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम नरेशन की तरह। और अगर जो हमारा इनडिपेंडेंट क्लॉज है वो पास्ट में है और डिपेंडेंट क्लॉज में कोई अगर फैक्ट बताया गया है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल ट्रूथ बताई गई है, तब भी आपको उसमें टेंस में चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होगी। जैसा आप नरेशन में करते थे बिल्कुल सेम वैसे आपको इसमें करना है। तो देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है कि वह जानती थी कि उसका नौकर चोर है, और इसमें सबसे पहले हमें बनाना है वह जानती थी। वह जानती थी ये किस टेंस का सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे लास्ट में थी आया हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जाएगा शी न्यू, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ये अफर्मेटिव है, तो शी न्यू का मतलब वह जानती थी। अब देखिए, इसके बाद का जो सेंटेंस है हमें देखना होगा कि इसके बाद का जो सेंटेंस है वो एक असर्टिव सेंटेंस है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसका नौकर चोर है, अगर देखा जाए तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव है, उसका नौकर चोर है ये एक असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको की के लिए दैट का यूज करना होगा। शी न्यू दैट, वह जानती थी कि, अब उसका नौकर चोर है तो उसका नौकर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर सर्वेंट, उसका के लिए इसमें हर आया किसके अकॉर्डिंग, जो इसका सब्जेक्ट शी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर आया हुआ है, तो वह जानती थी कि उसका नौकर चोर है, शी न्यू दैट हर सर्वेंट। अब यहाँ पे देखिए है आया हुआ है, हिंदी में तो है आया है, लेकिन अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे इज नहीं बल्कि वॉज का यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है शी न्यू, ये पास्ट में है। जब इनडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में होगा तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में ही होना चाहिए, इसमें भले है आया हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको वॉज का यूज करना होगा। तो क्या, शी न्यू दैट हर सर्वेंट वॉज अ थीफ।
इस तरीके से आपको बनाना है कि अगर इनडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में ही आपको रखना है। तो योग्या शी न्यू दैट हर सर्वेंट वॉज अ थीफ। और कभी कभी आपको नरेशन की तरह प्रोनाउन में भी चेंजिंग करना पड़ सकता है। तो देखिए अगला सेंटेंस हमारा है कि मुझे यह आशा नहीं थी कि आप मुसीबत में मेरा साथ छोड़ देंगे। इसमें जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है, मुझे यह आशा नहीं थी, ये पास्ट में है, कि आप मुसीबत में मेरा साथ छोड़ देंगे ये फ्यूचर में है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अगर इनडिपेंडेंट वाला क्लॉज पास्ट में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में बनाना है। यानी कि नरेशन में जैसे हम विल शैल को वुड में चेंज कर देते थे, वैसे आपको यहां भी करना है। तो सबसे पहले देखिए मुझे आशा नहीं थी के लिए क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट होप। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मुझे आशा नहीं थी, आई डिड नॉट होप, आई डिड नॉट होप, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो डिड नॉट आ गया और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आई डिड नॉट होप, मुझे आशा नहीं थी, अब आप मुसीबत में मेरा साथ छोड़ देंगे, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। अगर असर्टिव है तो की के लिए आपको दैट का ही यूज करना है। हो गया आई डिड नॉट होप दैट आप मुसीबत में मेरा साथ छोड़ देंगे। तो आपके लिए यहाँ पे आप यू का यूज कर सकते हैं, दैट यू। देखिए यहाँ पे गा गी गे आया हुआ है लास्ट में, यानी कि फ्यूचर टेंस में है। लेकिन अगर इसके पहले वाला जो क्लॉज है वो पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। यानी कि विल शैल का पास्ट क्या होगा, वुड या शुड होता है। तो यहाँ पे आप वुड का यूज कर सकते हैं, दैट यू वुड। यहाँ पे आपको विल का यूज नहीं करना है, वुड का यूज करना होगा, क्योंकि इसका जो पहला क्लॉज है वो पास्ट में है तो दूसरा वाला क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए। तो दैट यू वुड यहाँ पे हो जाएगा। और साथ छोड़ना की अंग्रेजी फॉरसेक होती है, यहाँ पे फॉरसेक का यूज कर सकते हैं, दैट यू वुड फॉरसेक मेरा। के यहाँ पे आप मी का यूज कर सकते हैं, फॉरसेक मी, मेरा साथ छोड़ देंगे। मुसीबत में के लिए आप कर सकते हैं कि इन ट्रबल, इन ट्रबल। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि आई डिड नॉट होप दैट यू वुड फॉरसेक मी इन ट्रबल, क्योंकि वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो आई डिड नॉट होप, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे आशा नहीं थी, या फिर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर दैट का यूज हमने यहाँ पे किया क्योंकि इसके आगे वाला जो क्लॉज है वो एक असर्टिव सेंटेंस है। तो आई डिड नॉट होप दैट आप मुसीबत में मेरा साथ छोड़ देंगे, ये फ्यूचर में था, लेकिन क्योंकि इसके पहले वाला क्लॉज पास्ट में है तो विल को वुड में चेंज यहाँ पे किया गया है। जैसा नरेशन में आप करते हैं बिल्कुल सेम आपको वैसे ही करना है इसमें। तो ये हो गया यू वुड फॉरसेक मी, फॉरसेक का मतलब साथ छोड़ना, मुसीबत में के लिए इन ट्रबल या फिर इन द क्राइसिस कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि एक रस्सी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर मुझे लगा कि यह एक सांप है। अब देखिए ये एक ऐसा सेंटेंस है कि एक रस्सी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर मुझे लगा कि यह एक सांप है। अब इस सेंटेंस को देखकर आप बड़े कंफ्यूज होंगे इसको कैसे ट्रांसलेट करें। एक रस्सी को जमीन पर पड़ा हुआ देख कर, हुआ और कर, यानी कि यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज हुआ है। पार्टिसिपल का पहचान क्या है कि हिंदी वाले सेंटेंस में कर, करके या फिर हुए आता है। तो यहाँ पे कर भी आया हुआ देख कर, और इसमें हुआ भी आया हुआ है पड़ा हुआ, तो दो दो जगह पे इसमें पार्टिसिपल का यूज हुआ है। मुझे लगा कि यह एक सांप है, मुझे लगा है पास्ट में लगा कि यह एक सांप है, और इसको प्रेजेंट में कहा गया है, यानी कि ये भी पास्ट में होना चाहिए। मुझे लगा कि वह एक सांप था, ऐसा में बनाना होगा। सबसे पहले देखते हैं इसको हम स्टार्ट कैसे करें सेंटेंस को। यहाँ पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, यानी कि जैसे उसने रस्सी को देखा तुरंत उसे ऐसा लगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे पहला काम होता है तुरंत दूसरा हो जाए तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। जैसे शोर सुनकर मैं जाग गया, तो जैसे शोर सुनेगा तुरंत जाग जाएगा। या फिर सांप को देखकर मैं डर गया, तो जैसे सांप को देखेगा तुरंत डर जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आपको करना है। सबसे पहले देख कर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीन। देख कर के लिए आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म सीन का यूज करेंगे। और क्या देखकर, एक रस्सी को, यानी कि अ रोप, सीइंग अ रोप, एक रस्सी को देखकर। और कैसे देखकर, जमीन पर पड़ा हुआ। पड़ा हुआ के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहां भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना होगा, लाइंग ऑन द ग्राउंड। सीइंग अ रोप लाइंग ऑन द ग्राउंड, एक रस्सी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर।
तो यहाँ पे देखिए रस्सी क्या पड़ा हुआ था, रस्सी पड़ी हुई थी, तो ये रोप के बारे में हमें बताया ये क्लॉज, इसलिए इसको रोप के बगल में रखा गया है। फ्रेंड्स अगर आपने पार्टिसिपल पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कैसे करते हैं। आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं, आप पार्टिसिपल भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो गया सीइंग अ रोप यानी कि रस्सी को देखकर, कैसे देखकर, लाइंग ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर पड़ा हुआ, एक रस्सी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे क्योंकि ये पार्ट हो गया फिनिश, कि एक रस्सी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर, ये हो गया सीइंग अ रोप लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब इसके बाद देखिए मुझे लगा, मुझे लगा ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो आई थॉट, यहाँ पे थिंक का सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, थॉट, आई थॉट मुझे लगा। अब यह एक सांप है, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, तो की के लिए आप यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, दैट, यह यहाँ पे आया हुआ है तो आप यहाँ पे दिस का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो अभी भी वहीं पे है ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे दिस, और लेकिन यहाँ पे जो है आया हुआ है आया है बट आपको यूज करना है इसमें वॉज का, अगर इसमें है आया है फिर भी आपको इसमें वॉज का यूज करना है क्योंकि इसके जो पहले वाला क्लॉज है आई थॉट ये पास्ट में है तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए, भी पास्ट में होना चाहिए, तो आई थॉट दैट दिस वॉज अ स्नेक, दिस वॉज अ स्नेक, तो सीइंग अ रोप लाइंग ऑन द ग्राउंड आई थॉट दैट दिस वॉज अ स्नेक या फिर इट वॉज अ स्नेक, यहाँ पे आप इट का भी यूज कर सकते हैं तो दिस दैट का जो कंफ्यूजन है आपका दूर हो जाएगा, That it was a snake, ऐसा आप कह सकते हैं क्योंकि it का मतलब यह और वह दोनों होता है। तो seeing a rope lying on the ground, I thought that it was a snake. एक रस्सी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर मुझे लगा कि यह एक सांप है। अब देखिए अगला सेंटेंस, मैं जानना चाहता था कि आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, मैं जानना चाहता था, ये इसका इनडिपेंडेंट क्लॉज है, मैं जानना चाहता था, तो देखिए मैं चाहता था आई वॉन्टेड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, आई वॉन्टेड मैं चाहता था जानना, टू नो, आई वॉन्टेड टू नो मैं जानना चाहता था, इतने का हो गया। अब आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, देखिए इसके आगे का जो सेंटेंस है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव नहीं है, आप कहाँ रहते हैं आप क्या करते हैं, अब इसके आगे का जो क्लॉज है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नरेशन में आप क्या करते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता है रिपोर्टेड स्पीच तो उसको असर्टिव में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव को भी असर्टिव में चेंज करते हैं और उसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं वो कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं, उसको कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कहाँ को एक कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे, वेयर का यूज एक कंजंक्शन की तरह करेंगे कि आई वॉन्टेड टू नो वेयर, मैं जानना चाहता था कि कहाँ आप रहते हैं, आप रहते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसके पहले वाला जो क्लॉज है वो पास्ट में है तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की तरह, ये भले इंट्रोगेटिव है लेकिन इसको आपको असर्टिव में चेंज करना होगा तो इसको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की तरह बनाना है तो क्या हो जाएगा, आप कहाँ रहते हैं का हो जाएगा आप कहाँ रहते थे, तो वेयर ही लिव्ड, वेयर ही लिव्ड, या फिर आप यहाँ पे यू कर सकते हैं, वेयर यू लिव्ड, आप है तो यू कर सकते हैं, आई वॉन्टेड टू नो वेयर यू लिव्ड, मैं जानना चाहता था कि आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, एंड वॉट और क्या करते हैं, यहाँ पे वॉट भी कंजंक्शन का काम कर रहा है, अब आप करते हैं को बनाएंगे आप करते थे यानी कि यू डिड, यू और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी डिड, एंड वॉट यू डिड, I wanted to know, मैं जानना चाहता था where you lived, कि आप कहाँ रहते हैं का हो गया कि आप कहाँ रहते थे, where you lived and what you did, और आप क्या करते थे, यहाँ पे देखिए where और what का यूज क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं बल्कि एक कंजंक्शन की तरह किया गया है इसको जोड़ने के लिए, अगर क्वेश्चन वर्ड की तरह इसका यूज होता तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि सब्जेक्ट है। तो इस तरह से जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसको बनाना है, ट्रांसलेट करना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि श्याम ने टीचर से कहा कि कल राम के चचेरे भाई ने मुझे इतना पीटा कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। श्याम ने टीचर से कहा, सबसे पहले आपको ये ट्रांसलेट करना है इनडिपेंडेंट क्लॉज इसका, श्याम ने टीचर से कहा यानी कि श्याम टोल्ड
द टीचर. श्याम टोल्ड द टीचर. श्याम ने टीचर से कहा कि कल राम के चचेरे भाई ने मुझे इतना पीटा. की के लिए यहाँ पे दैट का यूज करेंगे. दैट राम के चचेरे भाई ने, यानी कि राम्स कजिन ब्रदर. तो श्याम टोल्ड द टीचर. श्याम ने टीचर से कहा दैट राम्स कजिन ब्रदर, कि राम के चचेरे भाई ने इसके बाद क्या है, मुझे इतना पीटा. कल मुझे इतना पीटा. तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है. ये पास्ट इंडेफिनिट का है और इसके पहले वाला जो क्लॉज है वो भी पास्ट इंडेफिनिट का है. और जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में रखना होता है. तो यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं कि राम्स कजिन ब्रदर हैड तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका अगला वाला क्लॉज है, राम के चचेरे भाई ने मुझे इतना पीटा, ये भी पास्ट में है. और इसका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज था कि श्याम ने टीचर से कहा, ये भी पास्ट में था. तो जब दोनों पास्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, जैसे है वैसे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको पास्ट परफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं. क्योंकि नरेशन में आपको बताया गया कि जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. तो आप पास्ट परफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट में भी इसको लिखा जा सकता है. तो हो गया कि श्याम टोल्ड द टीचर दैट राम्स कजिन ब्रदर, आप चाहे तो यहाँ पे हैड बीटन कर सकते हैं. हैड बीटन, अब मुझे यहाँ पे है, मुझे पीटा, यानी कि किसे पीटा, श्याम को पीटा. जब श्याम ये बात कह रहा है कि मुझे पीटा, यानी कि किसे पीटा, श्याम को पीटा, तो यहाँ पे श्याम के अकॉर्डिंग मुझे के लिए यहाँ पे हिम का यूज करेंगे. मुझे है, लेकिन आप क्या श्याम की जगह पे आप क्या मान सकते हैं, कौन सा प्रोनाउन, उसे, कि राम के चचेरे भाई ने उसे इतना पीटा. क्योंकि ये बात कौन कह रहा है, श्याम कह रहा है, थर्ड पर्सन है. तो मुझे की जगह पे उसे हो जाएगा. यहाँ पे हिम का यूज आपको करना होगा. हैड बीटन हिम सो मच, इतना पीटा. और कब पीटा, कल. तो यहीं पे आप यस्टरडे का भी यूज कर सकते हैं. यस्टरडे, सो मच यस्टरडे. अब की के लिए आपको दैट का यूज करना होगा. की, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा. तो की के लिए आपको यहाँ पे दैट का यूज करना होगा. और मैं गिर पड़ा, यानी कि श्याम गिर पड़ा. और श्याम के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे. तो मैं भले इसमें आया है, लेकिन आपको ही का यूज करना है कि वह गिर पड़ा. दैट ही गिर पड़ा के लिए फेल डाउन. दैट ही फेल डाउन. और अनकंसियस, ये भी पास्ट में बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट. दैट ही फेल डाउन अनकंसियस. तो सेंटेंस हमारा बन गया कि श्याम टोल्ड द टीचर दैट राम्स कजिन ब्रदर हैड बीटन हिम सो मच यस्टरडे दैट ही फेल डाउन अनकंसियस. तो फ्रेंड्स, आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे. अब आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिया जा रहा है, जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. और अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस में डिफिकल्टीज होती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. हम इस टॉपिक पर और भी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे. तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.